तकलीफों को सुन सके। अब यहां पर उड़ीसा में 2728 गांव, यहां 50% से ज्यादा ऐसी है, 4525 गांव ऐसे हैं जहां 40% से ज्यादा आबादी है ऐसी, यानी कि 18% ऐसी है जो अत्यंत गरीब है, दयनीय हालत में। समुद्र के किनारे जो भी हमारे एरियाज हैं वहाँ ऐसी के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम आपके माध्यम से और मोर्चा के माध्यम से भी हम ऐसी आयोग में भी जाएंगे। यहाँ की सरकार जो ऐसी के साथ अन्याय कर रही है, उनके अधिकारों को छीन रही है, उसके खिलाफ हम ऐसी आयोग में मोर्चा जाएगा। जैसे ऐसी सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार देती है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ऐसी सब प्लान का पैसा किसी अन्य मद में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। अगर डाइवर्ट किया जाता है तो इसको अपराध माना जाता है, जिसमें शीला दीक्षित ने राष्ट्रमंडल खेलों में इसी राशि को डाइवर्ट किया था तो उन पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। यहां बीजेपी की सरकार भी ऐसी सब प्लान का पैसा डाइवर्ट करके अन्य कामों में खर्च कर रही है। जो पैसा ऐसी के कल्याण, उनके गांव के विकास, पीने का पानी, सड़क, सीमेंट, कंक्रीट, लाइट, इस पर खर्च होना चाहिए, उसको डाइवर्ट कर रही है। ये ऐसी के साथ बहुत बड़ा धोखा यहां की सरकार कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार में एक काम और बड़ा हो रहा है जो बहुत गलत है। यहां की सरकार को एससी के विकास और कल्याण के लिए कोई आधारभूत निर्णय करने चाहिए, वो ना करते हुए एससी का बोर्ड तो ले रही है, सरकार तो बना रही है, मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बनना है, लेकिन उसका वोट लेकर उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। एक बहुत बड़ा धोखा बीजेपी की सरकार यहाँ कर रही है। आने वाले समय में एससी मोर्चा, पहले भी यहाँ पर आंदोलन किए हैं मोर्चे ने, आने वाले समय में ज्ञापन के माध्यम से, सरकार को चेतावनी देने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हम सड़कों पर उतरेंगे। आज राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा, उस राजनीतिक प्रस्ताव में आने वाले 3 महीने की कार्ययोजना बनेगी कि सरकार के खिलाफ हमें कौन से स्टेप उठाना है। जो दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका विकास रोका जा रहा है। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक तरफ 57 साल में कांग्रेस की सरकार ने 12 मंत्री एससी के कभी नहीं बना पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार एससी के 12 मिनिस्टर बनाए हैं, 4 राज्यपाल बनाए हैं। एक बहुत बड़ा अनुसूचित जाति को सम्मान उन्होंने दिया है, और देश के करोड़ों गरीब, जिसमें बहुसंख्यक एससी एसटी के लोग भी हैं, विभिन्न जाति समाज के भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं गरीब योजनाएं लागू करके, वैक्सीनेशन फ्री करके, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देकर, उन्होंने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र पर वो काम कर रहे हैं। और एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां अत्याचार हो रहे हैं। केंद्रीय क्राइम ब्यूरो के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है एससी के लोगों पर, महिलाओं के ऊपर। झारखंड में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वैक्सीन बड़ी संख्या में डोज बेकार होते हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ आप देखिए, मैं बीच में गया था, एससी की महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी की सरकार में भी एससी के ऊपर होने वाले अत्याचारों में एससी के लोगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, बल्कि अपराधियों को बचाने का काम हो रहा है, उनके विकास के काम रोके जा रहे हैं। आज बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति यहाँ चल रही है। हम लोग आने वाले समय में बीजेपी की सरकार के खिलाफ शंखनाद करेंगे, एससी के लोगों को न्याय मिले उसके लिए आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ भी
उड़ीसा के अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिले वो हम आवाज़ उठाएंगे। आज हम इसी के लिए आज उड़ीसा आए हैं। आप लोग कोई प्रश्न आपको लगता हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। सर, अनुसूचित जाति के ऊपर यहाँ पे जो अत्याचार होने की आप बात बोल रहे हैं, उसके खिलाफ क्या क्या करेगा पार्टी? यहाँ पे दिग्गू जी है, यहाँ पे दिलीप जी भी है, बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति के मोर्चा के बैनर पर पिछले दिनों प्रदेश भर में, जिले भर में हम लोगों ने आंदोलन किए थे। आज राजनीतिक प्रस्ताव आगामी कार्यक्रम आ रहा है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उनके विकास और कल्याण का पैसा आए, उसके साथ न्याय हो, उन तक पहुंचे, उन पर होने वाले अत्याचारों में जो अपराधी है उनको सजा मिले और एससी के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए सरकार को हम मजबूर करेंगे। चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, आने वाले समय में हम स्टाफ ये कदम उठाएंगे।